हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। गाइस, यहाँ जो बात होने वाली इस चीज़ को लेके होने वाली है कि कुछ शहनाज़ हैंडल्स ने अपना नाम चेंज कर लिया है ट्विटर पर। तो क्या शहनाज़ ने उन्हें बोला है? क्योंकि शहनाज़ से रिसेंटली वो मिले हैं, बहुत सारे शहनाज़ फैंस मिले हैं। तो क्या शहनाज़ ने मना किया है? शहनाज़ ने कहा है उनसे कि अपने हैंडल से शहनाज़ हटा दो, शहनाज़ हैशटैग मत यूज़ करो। तो ये वाली बात हम पूरी बात बताने वाले हैं वीडियो में, प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, शहनाज़ की जान को शाप पे ना हो, रायता ना फैले, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये उसके खुद के फैंस ही करते रहते हैं, कितना ही प्यार करें उनसे लेकिन रायता फैलाते ही रहते हैं। जब से शहनाज़ अमेरिका गई हैं और वहाँ बहुत सारे शहनाज़ फैंस से मिली हैं, एक्चुअली एक तो वहाँ लोगों को टाइम मिला है उनसे बात करने का, और रितु जी तो उनके साथ काफ़ी टाइम रही हैं, उनके साथ पूरे टूर पर रही हैं। इसके अलावा और भी फैंस जो बहुत कहते हैं ना कि बहुत दिल से, बहुत प्यार से शहनाज़ से जुड़े हुए थे शहनाज़ फैंस, वो सब मिले हैं शहनाज़ से। तो वैसे तो ये झगड़े तो ये लोग पहले ही करते रहते थे, लेकिन अभी जब से वो बहुत सारे लोग वहाँ पे मिले उनसे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को वो चीज़ हजम नहीं हुई। आप जानते हैं क्या क्या बवाल हुआ है इससे पहले सोशल मीडिया पर, तो वो सब चीज़ें तो हो चुकी थी। अभी क्या हुआ, अभी रितु जी ने अपने हैंडल का नाम चेंज कर लिया। हालांकि कुछ शहनाज़ ने ही पहला ऐसे किया है, वो भी चीज़ दिखाऊंगी शहनाज़ ने क्या किया, उसके बाद रितु ने चेंज किया है रितु जी ने। पर क्या शहनाज़ ने बोला है वो बात भी बतानी है आपको। तो गाइज़, ऐसा हुआ, रितु जी ने अपने हैंडल का नाम चेंज कर दिया है। वो रितु शहनाज़ लिखती थी, अब उन्होंने शहनाज़ को वहाँ से हटा दिया है। और इसके लिए उन्होंने एक काफ़ी लंबा ट्वीट भी किया, लोगों को उसका रीज़न बताया। क्योंकि जैसे उन्होंने चेंज किया, एकदम से लोग कहने लगे कि ये ज़रूर शहनाज़ ने बोला है ये वो। तो जो रितु जी ने बताया मैं वो आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ पहले जो उन्होंने लिखा है, और जो शहनाज़ ने किया था वो भी बताऊंगी। वो उन्होंने इंस्टाग्राम पे किया था, तो उन्होंने लिखा है, स्टॉप डूइंग फैंडम वार एंड स्टॉप जजिंग फैंस बाय फैंडम। व्हेन सुपरस्टार शहनाज़ गिल मीट्स ए फैन, शी डजंट आस्क व्हाट फैंडम दे बिलोंग टू, शी गिव्स देम ए टाइट हग एंड अप्रिशिएट्स देम थ्रू आउट। वो कहते हैं कि जब भी शहनाज़ किसी भी फैन से मिलते तो उनसे उनका फैंडम नहीं पूछती है, वो उन सभी को टाइट हग देती है और बहुत अप्रिशिएट करती है। ट्विटर, देयर इज़ सो मच फैंडम वार्स, स्टॉप दिस शहनाज़ियंस विद शहनाज़ियंस फाइटिंग एंड स्पेशल एजेंडाज यू हैव, वी ऑल शुड कम टूगेदर एंड हाइप हर अप, शो हर लव एंड बैंग टूगेदर, डोंट गिव इन टू द नेगेटिविटी एंड स्नैकी कमेंट्स, जस्ट लाइक हाउ शहनाज़ गिल रिमूव्ड शहनाज़ियंस टू फैंस, आई एम चेंजिंग माई यूज़र, सो आई होप टू दोज हु आर एब्यूजिंग सना दे स्टॉप, इनफ इज इनफ। कि भाई जब शहनाज़ ही नहीं ऐसे मिलती कि आप शहनाज़ियन हो, आप शहनाज़ियन हो, वो सबसे मिलती है, तो हम कौन होते हैं कि इस तरह से शहनाज़ियन है, शहनाज़ियन है ये सब करने वाले। अगर आप शहनाज़ से प्यार करते हैं, भले ही शहनाज़ फ़ैन है, शहनाज़ फ़ैन है, आप अप्रिशिएट कीजिए, मतलब आप उनसे इस तरह से ही प्यार कीजिए और उन्हें सपोर्ट कीजिए। ये हैशटैग के चक्कर में काफ़ी सारी नेगेटिविटी हो जाती है ट्विटर पर, ये तो हम भी मानते हैं, हैशटैग के चक्कर में ज़रूर होता है। क्योंकि ये होता है कि तुम तो शहनाज़ फ़ैन हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम उसको ज़्यादा प्यार करते हो, तुम तो दोगले हो, तुम ये हो, ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। तो देखिए, पहले शहनाज़ ने क्या किया था, ये इस तरह से उन्होंने कैटेगरी डाल रखी थी, फ़ैन लव शहनाज़ियंस हैशटैग बुला दूंगा। तो उन्होंने ये वाली जो कैटेगरी है हैशटैग शहनाज़ियंस, उन्होंने हैशटैग फैंस में चेंज कर दी है इंस्टाग्राम पर। तो उसके बाद रितु ने भी चेंज कर दिया, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि भाई शहनाज़ ने उनसे बोला है। एक्चुअली फैंस भी इतनी लिमिट जानते हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड उससे कुछ बात ना करें। जब उसने ही पहले चेंज कर दिया, तो अब इस वजह से कि उसने शहनाज़ियंस को फैंस में चेंज कर दिया, अब ये जो शहनाज़ियंस वाले ग्रुप है वो उसको टारगेट कर रहे हैं। तो गाइस, आप क्या सोचते हैं, शहनाज़ किसी फैन से ये बोलेगी कि ये नहीं नहीं शहनाज़ वाला यूज़ मत करो, ये वो, अब मैं आगे रिलेशनशिप में जाऊँगी, ये वो, कि कह रहे ना ऐसे कि उसको दूसरा हैशटैग प्रमोट करना है, किसी और के साथ लोगों को दिखाना है। छोड़िए ये सब चीज़ें, शहनाज़ ने ये सब नहीं किया है, शहनाज़ ने सिर्फ इसी फैंस में इसलिए चेंज किया है क्योंकि ये फैंडम वार ना हो। ओके गाइस, थैंक यू।